गुड मॉर्निंग क्लास एट, दिस इज द न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, चैप्टर फोर, कॉलोनियल आर्मी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। इन दिस चैप्टर यू हैव टू रीड अबाउट पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया बाय ब्रिटिश रूल एंड दिस एंड सम स्पेशल एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय EEIC। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। जैसा कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि 1765 में बंगाल ब्रिटिश के कब्जे में आ गया, हालांकि यह 1757 में ही हो चुका था, बट 1765 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही बंगाल से ब्रिटिश को रेवेन्यू वसूल करने का अधिकार मिला। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जहाँ और इस सिस्टम के तहत बहुत नुकसान हुआ, तो 1772 में उस ड्यूअल सिस्टम को ख़त्म की गई। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि जो ब्रिटिश होते थे कंपनी, इनका मेन मोटो क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से धन अर्जित करना और इंग्लैंड को सेंड करना। और जो ऑफिसर्स होते थे ये सब किसके, जो गवर्नर होता था उसके कंट्रोल में होते थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख के इंडिया में स्मूथली काम कर सके कंपनी, और जो टेरिटरी इन्होंने सीज करना शुरू किया या जो टेरिटरीज इन्होंने अपने कब्जे में ली थी, उस टेरिटरीज के अंदर सही तरीके से बिजनेस हो सके और सही प्रॉफिट आ सके, इसके लिए समय समय पे बहुत सारे एक्ट इंडिया ब्रिटिश ने पास किया, जिसमें से यहाँ पे देख रहे हैं आप एक एग्जांपल है 1804 का पीट्स इंडिया एक्ट, फिर 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। तो इन्हीं सब के बारे में अभी पहले देखेंगे, और साथ ही साथ ब्रिटिश का जो आर्मी था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो भी इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये रहा आपका पेज नंबर 36, देख रहे हैं इसमें इतना सारा लॉ इसने पास किया 1935 का। तो हमें ये नहीं बात करना है, हमें रेगुलेटिंग एक्ट देखना है। तो आपको बस यहाँ ध्यान रखना है हम क्या बोल रहे हैं, और ज़रूर ये पढ़ लीजिएगा पॉइंट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब लॉ। तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट का पहला प्रोविज़न, प्रोविज़न क्या था पहला ज़रा देखते हैं। जो बंगाल का जो गवर्नर था उसे पूरे ब्रिटिश इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह से बारन हेस्टिंग्स इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना। दूसरा, गवर्नर जनरल को सपोर्ट के लिए एक काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर होते थे। तीसरा, ये जो काउंसिल होते थे इनके मेजोरिटी के वोट के आधार पे ही कोई डिसीजंस ली जाती थी, और यदि वोट बराबर हो गया तो उसमें गवर्नर जनरल अपना सहमति दे करके, वोट दे करके उसे पास करता है। अगला, गवर्नर जनरल के पास पावर था कि वो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को भी देखभाल कर सके, मतलब पीस और ट्रीटी से रिलेटेड जो मैटर होगा। हाँ, लेकिन यदि इमरजेंसी का केस आ गया तो वैसी स्थिति में इंग्लैंड से स्पेशल ऑर्डर आने से पहले भी ये अपनी मर्जी से वहाँ पे काम कर सकता है गवर्नर जनरल। पाँचवा, कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई और चीफ जस्टिस का एक पोस्ट भी बनाया गया, और इसके साथ 3 असिस्टेंट जजेस भी होते थे चीफ जस्टिस के साथ। तो पहला चीफ जस्टिस बना सर एलिजा एम्पेन। अब यह सुप्रीम कोर्ट जो होता था ये सिविल क्रिमिनल और जो भी केसेस होते थे वो सब देखता था। छठा क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि ये जो कंपनी के जो डायरेक्टर होते थे, ये जो एक्ट है इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो डायरेक्टर्स होते थे वो ब्रिटिश ट्रेजरी में अपने खर्च और इनकम का अकाउंट सबमिट करना होता था। तो इस एक्ट में ये सारे पॉइंट्स थे। अब इसका कमी क्या रह गया, कमी ज़रा देखते हैं, यहाँ पे कमी है, बोर्ड पे ना जा करके यही कमी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। चूँकि रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट था, पहली बार पार्लियामेंट्री बेसिस पे इंट्रोड्यूस की गई थी कंपनी को कंट्रोल करने के लिए और इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बट कुछ कमी रह गई। जैसे पहला कमी क्या रह गया, कि जो गवर्नर जनरल होते थे उनका काउंसिल के मेंबर पे कंट्रोल नहीं होता था, बस वो वोट देते थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
दूसरा सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर जनरल और जो काउंसिल होता था, इन लोगों के बीच का जो रिलेशन था वो क्लियर नहीं था। तीसरा, जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर होते थे वो गवर्नर जनरल के कंट्रोल में नहीं होते थे, वो अपनी मर्जी से क्या करते थे, इमरजेंसी के नाम पे कोई भी बिल या किसी भी तरह का एक्शन ले लेते थे। तो उसी कमी को, उन ड्रॉबैक को देखते हुए ब्रिटिश ने यानी इंग्लैंड ने क्या किया, इंडिया के अंदर अगले लॉ को पास किया, अगले एक्ट को पास किया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। इसको पास करने वाले थे इंग्लैंड के पीएम पिट द एंगर, इसीलिए इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। तो चलिए इसका भी प्रोविज़न बुक में ही देखना पड़ेगा। तो ये जो प्रोविज़न है ये थोड़ा सा जटिल है, बस आप ध्यान दीजिएगा समझ में आ जाएगा। जो पॉलिटिकल जो कंपनी होती थी उसके पॉलिटिकल और कॉमर्शियल कामों को अलग कर दिया गया, और पॉलिटिकल और कॉमर्शियल के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के कॉमर्शियल एक्टिविटी को देखता था, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल अफेयर्स को देखता था। तो दो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके देखिए कुछ है। नियम है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर होते थे जो राजा के द्वारा ही अपॉइंट यानी इंग्लैंड के राजा के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, उनका अपना ऑफिस होता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो खर्च होता था वो कंपनी को ही चुकाना पड़ता था। गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होता था उसमें पहले 3 मेंबर होते थे बट उसे इस एक्ट के तहत बढ़ा के 4 की गई, जिसमें चौथा पोस्ट बना कमांडर इन चीफ का जो इंडिया में है आर्मी का हेड। फिर पांचवा, जो गवर्नर जनरल होते थे उसके पास फुल पावर होता था कि वो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज को अपने कंट्रोल में रख सके। छठा, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसीज और मद्रास के जो गवर्नर होते थे या गवर्नर जो काउंसिल होते थे, बॉम्बे का मद्रास का अपना काउंसिल होगा तो उसके काउंसिल में 6 मेंबर होते थे, 3 मेंबर होते थे। फिर 7th और लास्ट, जो गवर्नर जनरल होता था ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऑर्डर से ही बार या पेस को डिक्लेयर कर सकता था। अब इस लॉ का इम्पोर्टेंस क्या था, इम्पोर्टेंस बहुत था क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में इसका अपना पहचान था। ये कब तक चला, ये चला 1856 तक, जब तक कि इंग्लैंड डायरेक्ट इंडिया पे शासन करना शुरू नहीं कर दिया, और यहाँ से गवर्नर जनरल पूरे इंडिया का सुप्रीम पावर भी बना। अब यहाँ आपको दिख रहा है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और 53। ये जो चार्टर एक्ट है ना ये एक्ट से अलग है। ये क्या होता था कि कंपनी से रिलेटेड नियम जो बनता था उसे चार्टर एक्ट कहा जा रहा है यहाँ पे। तो चार्टर एक्ट जो 1813 का था इसमें क्या प्रोविज़न था, तो 1813 के चार्टर का पहला इम्पोर्टेंस क्या था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट हर 20 साल पर यह एक्ट पास करती थी। तो इस एक्ट के तहत 13 के तहत चाइना के साथ इनका यानी कंपनी का व्यापार करने का अधिकार था, ब्रिटिश मर्चेंट इंडिया से ट्रेड कर सकते हैं। और इसका दूसरा इम्पोर्टेंस ये था कि हर साल इंडियंस को एजुकेट करने के लिए, एजुकेशन इनकरेज करने के लिए 1,00,000 रुपया खर्च करना है एजुकेशन पे 1830 में। ये पढ़ोगे आगे चैप्टर में इसके और विस्तार से, 1833 वाले में जरा आते हैं। ये जो 1833 था जब ये पास हुआ एक्ट, तो इसके तहत सबसे पहले जो चाइना के साथ टी ट्रेड चल रहा था कंपनी का उसे बंद कर दी गई, और उसको डायरेक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने अपने हाथों में ले लिया। और जितने भी इंडियन शेयर होल्डर होते थे, जितने भी शेयर होल्डर होते थे कंपनी में, उन शेयर होल्डर्स के को पेड करना होता था इंडियन रेवेन्यू से। इसके बाद इसी एक्ट के तहत कलकत्ता को सेंटर बनाया गया एडमिनिस्ट्रेशन का, और सारा का सारा पावर आ गया गवर्नर जनरल के हाथों में। यानी एक तरह से कह सकते हैं इसका मेन मतलब, इसका जो मुद्दा है कि इस एक्ट के तहत कलकत्ता का गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड हो गया और गवर्नर जनरल पूरे इंडिया में पावरफुल हो गया। एंड ये लास्ट दिख रहा है आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें क्या हुआ, इस एक्ट के तहत
जो काउंसिल होते थे उसमें 6 मेंबर इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी किसके लिए, कंपनी का जो सब्जेक्ट होता था उसकी देखरेख करने के लिए। तो इस तरह से आज हमने इस चैप्टर का ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए जितने भी एक्ट थे 1853 तक, अभी 57 से हाफ ईयर के बाद पढ़ना है, वहाँ तक के एक्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया। अगले क्लिप में हम आर्मी के बारे में देखेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।